गाइज, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दो लिक्विड लिपस्टिक्स के कंपैरिजन, मतलब कि दोनों लिक्विड लिपस्टिक्स अलग अलग ब्रांड्स के हैं। तो अब इन दोनों का जो भी रिव्यू है सब मैं कंपेयर करूँगी एंड लास्ट में अपना जो कंक्लूजन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं इन दोनों लिपस्टिक्स को कंपेयर करने वाली हूँ। पहला जो लिपस्टिक है वो है फेसेस कैनेडा कॉम्फी मैट लिक्विड लिपस्टिक एंड नेक्स्ट इज दिस कीरो नॉन एयरी मैट लिक्विड लिपस्टिक। दोनों का जो शेड मैंने सेलेक्ट किया है वो लगभग सिमिलर ही है, रेडिश काइंड ऑफ शेड है। ये भी रेड है एंड ये भी रेड है, तो यू ऑल कैन सी कि काइंड ऑफ सिमिलर है। ऑल दो कीरो का जो ये लिपस्टिक है इनमें मुझे कई सारे और शेड्स भी मेरे पास है, और जो ये फेसेस कैनेडा का लिपस्टिक है इसमें भी मेरे पास दो और शेड्स है, जैसे ये वाला पिंक शेड है और ये वाला खूबसूरत सा न्यूड ब्राउन शेड है। पहले बात करते हैं इसके कलर के बारे में। दोनों का जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी रिच पिगमेंटेशन है। कलर इट्स लाइक HD कलर। कलर पे ऑफ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोनों लिपस्टिक्स का ही, फेसेस कैनेडा का भी और कीरो ब्यूटी का ही, और दोनों ही रेड शेड में है। सो इसका जो कलर पे ऑफ है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कम्फर्ट लेवल। मैंने दोनों लिपस्टिक्स को ही वेयर किया है अपने लिप्स पर थ्रू आउट द डे। मैंने अलग अलग दिन दोनों लिपस्टिक्स को ट्राई किया है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो मुझे जो कंफर्ट लेवल लगा वो मुझे इस पर ज़्यादा लगा, बिकॉज ये एकदम लाइट वेट था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ अप्लाई किया है, दैट ऑल्सो अ लिक्विड लिपस्टिक, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक जनरली इतना ज़्यादा ड्राइंग होता है ना, जिससे जो कि मुझे इस पर फेस मैंने किया, ये मुझे थोड़ा सा ड्राइंग लगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। दिस इज़ वेरी क्रीमी, वेरी नाइस और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है लिप्स पर। होल डे मैंने इसे वेयर किया लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो कम्फर्ट लेवल में मैं फेसेस कैनेडा का ये जो लिपस्टिक है कॉम्फी मैट लिपस्टिक, द नेम ऑल्सो सजेस्ट दैट इट इज़ कम्फर्टेबल, बट इसमें मुझे वो कम्फर्ट नहीं फील हुई बिकॉज थोड़ा सा लिप्स पर हेवी फील हो रहा था, लिप्स को ड्राई भी बना रहा था एंड एट द एंड ऑफ द डे रिमूव भी हो चुका था काफ़ी हद तक, बट दिस स्टेड ऑल डे लॉन्ग एंड ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैट टेक्स्चर, क्योंकि दोनों ही लिपस्टिक्स क्लेम करता है कि दोनों मैट लिपस्टिक है। डेफिनेटली दोनों ही मैट लिक्विड लिपस्टिक्स है, कीरो ब्यूटी का भी और ये फेसेस कैनेडा कम्फी मैट लिक्विड लिपस्टिक भी बिल्कुल मैट है। बट द प्रॉब्लम है इसकी, ये वाला कीरो ब्यूटी इतना ज़्यादा ड्राइंग है कि मुझे इसे अप्लाई करना पसंद नहीं है, बिकॉज आई नो आफ्टर यूजिंग दिस मेरी जो लिप्स है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी एंड ड्राई लिप्स किसी को पसंद नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। तो मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा। बट ये जो फेसेस कैनेडा का लिपस्टिक है, दिस कीप्स योर लिप्स सो मॉइस्चराइज। मैंने होल डे इसे अप्लाई किया था एंड बिल्कुल भी मेरे लिप्स ड्राई नहीं हुए, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल भी है और लिप्स को ड्राई भी नहीं बनाता और बिल्कुल मैट है। ऑल्सो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, दोनों लिक्विड लिपस्टिक्स को जब मैंने अप्लाई किया था ना अपने लिप्स पर, उससे पहले मैंने कोई लिप बाम अप्लाई नहीं किया था। सो विदाउट अप्लाइंग एनी लिप बाम इसने मेरे लिप्स को ड्राई किया एंड विदाउट अप्लाइंग एनी लिप बाम मैंने जब फेसेस कैनेडा का ये लिपस्टिक अप्लाई किया तब मेरे लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए। दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ कि ये लिप्स को मॉइस्चराइज्ड रखता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता। अब पैकेजिंग की बात करते हैं। पैकेजिंग में आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है इस फेसेस कैनेडा का, बिकॉज दिस इज़ सो छोटू एंड सो क्यूट एंड बिल्कुल लाइट वेट है लिपस्टिक का। ये थोड़ा सा हेवी है बिकॉज ऑफ द कैप आई गेस, या फिर पैकेजिंग, क्योंकि ये ग्लास पैकेजिंग में है। ये बहुत लाइट वेट है, ट्रैवलिंग के वक्त ईजी रहेगा, इट्स सो कॉम्पैक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसेस। इसका जो प्राइस है वो है 899 rupees, विच इज़ अ बिट ऑन द हाई एंड साइड, बट इसका जो प्राइस है वो है जस्ट 399 rupees, विच इज़ अंडर 500, अंडर 400 rupees, विच इज़ सो अफोर्डेबल। इसीलिए मैंने इन दोनों लिपस्टिक्स को कंपेयर किया, क्योंकि दोनों के जो शेड्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एट द सेम टाइम दोनों मैट लिक्विड लिपस्टिक्स है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कंपेयर कि मैं क्यों इतने ज़्यादा पे करूँ अगर मुझे 400 के अंदर उससे बेटर क्वालिटी मिल रही है। पहले मुझे ऐसा लगा था कि दोनों में क्या ही डिफरेंस रहेगा, बिकॉज द प्राइस इज़ वेरी हाई इसमें, तो मुझे लगा कुछ तो ज़्यादा, कुछ तो खास रहेगा इसमें। बट ऑन द कंफर्ट लेवल, अगर आप कंफर्टेबल कुछ चाहते हैं, अगर आप 9 hours से भी ज़्यादा लिक्विड लिपस्टिक्स को अप्लाई करके रखते हैं, तो फिर आई थिंक दिस इज़ नॉट फॉर यू। दिस इज़ जस्ट फॉर पार्टीज़, 2 घंटा या 3 घंटा मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं है। बट अगर होल डे कम्फर्ट आप चाहते हैं देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस वन।
everyone, this is long wear, this is comfortable, this has HD finish, the packaging is so travel friendly, classy and amazing. मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा. And the best part is this is transfer proof. ये आपके mask पर transfer नहीं होगा. ये भी transfer proof है, but अगर आप इसे 4-5 घंटों तक wear करते हैं then थोड़ा सा ये transfer हो जाता है. But इसमें मैंने whole day से wear किया था. मैंने खाना भी खाया, lunch भी किया, फिर मैंने soft drinks वगैरह, उसके बाद भी ये ज़्यादा transfer नहीं हुआ. Mask भी मैंने wear किया था for 2 hours I think, mask में बिल्कुल भी transfer नहीं हुआ. This is paraben free, alcohol free and comes in 12 amazing shades. This is so affordable. It retails for 399 rupees only. So yeah guys, that's my conclusion. मैं आप लोगों को इन दोनों में से recommend करूँगी ये वाला. अगर आप comfort level चाहते हैं, आप comfort चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका liquid lipstick lightweight हो, long lasting हो और affordable हो most importantly, then definitely you should go for this Faces Canada Comfy Matte Liquid Lipsticks. इसमें कई सारे shades हैं. So that completes my video. Products की purchasing links description box पर है. Description box को ज़रूर check करें. Video पसंद आई, video को like करें, share करें and don't forget to subscribe to my channel for amazing such videos. आज के लिए इतना ही. Stay blessed, stay happy. Bye.